नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने दिवाली पर आपसे वादा किया था कि मैं आपको पहले सेकंड बुक के बारे में बताऊंगा, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, मैंने अभी आपके लिए एक बुक खरीदी है जिसका नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि T.R. जैन V.K. ओरी ने लिखी है। दोस्तों, इसमें दोस्तों 1 से लेकर 11 तक चैप्टर दे रखे हैं और ये पूरे 11 चैप्टर में आपने इस चैनल यानी विक्की की पाठशाला में आपके लिए बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कौन से वो 11 चैप्टर्स हैं जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ये 12वीं क्लास की नहीं दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल पर जो इकोनॉमिक्स आती है उन सभी के काम के हैं। और दोस्तों, मैं ये 11 के 11 चैप्टर आपको इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपको पूरी की पूरी समष्टि अर्थशास्त्र को समझना एक बहुत ही आसान रह जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूचे। तीसरा है राष्ट्रीय आय की आकलन की विधियां। चौथा है मुद्रा तथा मुद्रा की पूर्ति। पांचवा है बैंकिंग। बैंकिंग में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक। छठा है दोस्तों हमारा समग्र मांग तथा इसके घटक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये भी। अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे इंपॉर्टेंट है, बस ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यून मांग तथा अधिमांग, आठवां दोस्तों। नौवां चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है दोस्तों, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। और दसवां है दोस्तों विदेशी विनिमय दर। और ग्यारहवां है दोस्तों भुगतान शेष। दोस्तों, ये 11 के 11 चैप्टर मैं अपने इस वीडियो में अपने चैनल पर आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। आज मेरा इस बुक का इंट्रो देना था दोस्तों, जो कि मैंने आज दे दिया है। अब जो पहला वीडियो मैं डालूंगा व्यष्टि अर्थशास्त्र पे यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इस पर जो मैं पहला वीडियो डालूंगा वो डालूंगा दोस्तों मैं समष्टि अर्थशास्त्र का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने दो और विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।